नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़ और मैं हूँ यति आपके साथ। हमें पटना के पटना जंक्शन में हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको लोगों से बात करके बताएंगे। कुढ़नी में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पे मतदान की प्रक्रिया जो है वो चालू हो चुकी है, सुबह से ही चालू है, 5 या 6 बजे तक चलेगा मतदान का प्रक्रिया। तो उसको लेकर के हम पटना के लोगों से जानने आए हैं कि इससे पहले भी गोपालगंज और मोकामा में चुनाव हुआ है जहाँ पर जो फैसला था वो 50-50 था। एक तरफ गोपालगंज में जहाँ बीजेपी की जीत हुई, वहीं दूसरी तरफ मोकामा में आरजेडी की जीत हुई थी। तो हम उसको लेकर के अभी लोगों से, पटना के लोगों से जानेंगे कि उनको क्या लग रहा है। जिस तरीके से कयांश लगाया जा रहा है कि हो सकता है, लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जीत सकती है, फिर वहाँ पर से इस बार आरजेडी मतलब कुढ़नी में इस बार आरजेडी की कोई भी जो उम्मीदवार है वो खड़े नहीं हुए, जेडीयू ने अपने उम्मीदवार वहाँ पर खड़े किए हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मुकाबला है ये एनडीए और महागठबंधन के बीच में है। तो हम लोगों से जानेंगे और लोगों से भी बात करेंगे और उनका भी राय जानेंगे कि उनको क्या लग रहा है, उनके मुताबिक किसकी जीत हो सकती है ये कुढ़नी में जो उपचुनाव होने जा रहा है वहाँ पे। तो आइए लोगों से बात करते हैं और उनके भी राय जानते हैं। एक भैया है, इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि जो कुढ़नी में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें किसकी जीत हो सकती है। एक तरफ एनडीए है और एक तरफ महागठबंधन है, तो क्या लगता है किसकी जीत होगी वहाँ पर? वोटिंग जो है वो सुबह से चालू है वहाँ पे, तो क्या लग रहा है आपको? आरजेडी की जीत होगी। आरजेडी क्यों जीतेगी? क्योंकि बहुत काम करती है, गरीब दुखिया के देखते हैं और यही सब बात है। आरजेडी गरीब दुखिया को देखती है और मतलब ये कयान जो लगा है सब तो लाल किला, ताल किला, रेलवे स्टेशन सब तो बिछी दिया था, बचा हुआ क्या? तो क्या लगता है इस बार? लोग बोल रहे हैं कि उधर आइए, लोग बोल रहे हैं कि कयांश लगाया जा रहा है कि गोपालगंज में हुआ वहाँ पे बीजेपी जीती और मोकामा में जो हुआ वहाँ पे आरजेडी जीती थी, लेकिन आरजेडी अपने उम्मीदवार यहाँ पे नहीं उतार रही है, यहाँ पे जदयू है, जदयू उतारी है महागठबंधन के साथ। तो क्या लग रहा है, मतलब तब किसकी जीत होगी? जदयू की जीत होगी। ऐसे क्या, कैसे बोल सकते हैं आप जदयू की जीत? बोल सकते हैं, बहुत चीज बोल सकते हैं। बताइए तो मतलब क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उतना काम किया गया तो जीत उनका ही ना होगा। इनका कहना है कि जदयू की जीत होगी, तो आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत आसान भाषा में कह दिया है कि जदयू की जीत होगी। और तो देखा आपने क्या कुछ कहा पटना के लोग ने, मतलब उनकी क्या राय है, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की वीडियो के माध्यम से। हम ये चाहते हैं अपने दर्शकों से कि जो भी हमारे तमाम दर्शक हैं वो हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि उनके मुताबिक क्या लगता है जो कुढ़नी में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें किसकी जीत होगी, एनडीए की जीत होती है या फिर महागठबंधन की जीत होती है। हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।